दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी सेक्रेटरी कोर्स हमें क्यों चूज़ करना चाहिए। दोस्तों, मुझे कोविड हो गया था तो अभी थोड़ा रिकवर्ड हो गया हूँ, इसलिए वीडियो में आपको थोड़ा एनर्जी कम महसूस हो सकता है, इसलिए प्लीज़ मैनेज करना। दोस्तों, कॉमर्स स्ट्रीम की जो टॉप में सबसे बड़ी डिग्री आती है वो है CA, CMA और CS, पर ग्राउंड रियलिटी में CA को ही सबसे ज़्यादा वेटेज मिलती है। लोगों को सिर्फ CS यही दिखता है। कंपनीज की सेक्रेटरी, उसके अलावा पर्सनल सेक्रेटरी कोर्स ज़्यादा स्कोप नहीं है, ऐसा बोलकर इग्नोर कर दिया जाता है। पर आज के इस वीडियो में आपको ऐसा रीज़न दूंगा जिससे आपको लगने लगेगा आपको CS क्यों करना चाहिए, CS का इम्पोर्टेंस क्या है, CS की फील्ड कितनी बड़ी है, इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा। और जब कोई ज़्यादा CA की गुणगान गाए तो ये वीडियो उनको शेयर कर सकता है, क्योंकि रियलिटी में कॉरपोरेट वर्ल्ड में तीनों की वैल्यू सेम होती है। दोस्तों, CS कंपनी में की मैनेजमेंट पर्सन होता है और ये स्टेटस CA होल्ड नहीं कर सकता, CMA भी नहीं होल्ड कर सकता। कंपनी में जो कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट होती है वो सिर्फ एक क्वालिफाइड CS को ही मिलता है। की मैनेजरियल पर्सन मतलब कंपनी में शेयर होल्डर के बाद जो 5 से 7 इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं कंपनी में, CEO, CFO, उनमें से ही एक CS होता है। CS मतलब कंपनी का लॉयर जैसा, कंपनी की लीगल वर्क वही देखता है। नेक्स्ट बात आती है, जिन कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा होती है उन कंपनी को होल्ड टाइम CS अपॉइंट करना होता है। इससे आप समझ सकते हैं CS की डिमांड कितनी है, यानी CS कम है, कंपनी ज्यादा है। उसके अलावा कॉरपोरेट गवर्नेंस, सेक्रेटरियल सर्विस में CS का जरूरत होता है। कंपनी सेक्रेटरीज कंपनीज की फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन ऐसे काम करवा सकता है। कंपनी की बिहाफ में कंपनी की कोई भी डॉक्यूमेंट, फाइलिंग हो, रजिस्टरिंग हो, ये सब करवा सकते हैं CS। कंपनी में जितनी भी तरह की मीटिंग्स होती है वो CS ही करवाते हैं। ये ऑब्वियसली बड़ी बड़ी कंपनीज में होते हैं, क्योंकि छोटी कंपनी में तो शेयर होल्डर ही सारा काम कर लेते हैं। पर फिर भी CS कोर्स इसलिए स्पेशल है क्योंकि इंडिया की 130 करोड़ आबादी में से सिर्फ 0.013% स्टूडेंट ही एनरोल करते हैं। तो आप सोचिए, जो लोग इस कोर्स में एनरोल भी करवाते हैं वो भी कितने रेयर होते हैं। उसमें भी लेस देन 1% स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाते हैं और हर साल 10 से 15% स्टूडेंट CS पास कर पाते हैं। अब CS काम क्या क्या करता है? ऑडिट में CS सेक्रेटरियल ऑडिट कर सकते हैं, कॉम्प्लायंस ऑडिट कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिट भी कर लेते हैं। और वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं इन सभी विषयों में CS एडवाइस कर सकता है। वेट, अभी तो और भी बताना है। कंपनीज में कोई भी केस आ गया तो CS की टीम ही इन सभी जगहों में रिप्रेजेंटेशन देती है, आप ये भी स्क्रीन में से देख सकते हो। और कंपनी के बिहाफ में इन सभी जगहों में CS के अलावा कोई दूसरा नहीं जा सकता। और भी है, CS कंपनी की मैनेजमेंट भी संभाल सकता है और टैक्सेशन रिलेटेड एडवाइस भी कंपनी को दे सकता है। अब आप खुद देखो और डिसाइड करो और बताओ CS की फील्ड क्या कम है। मुझे तो नहीं लगता इसके अलावा और कुछ रीज़न आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे वो भी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।